अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मिस्टर आरवी, मैं इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी हेल्प लगेगी। मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं देखता हूँ सर। सर टाइम ही तो नहीं है हमारे पास। मैं भी यही बोल रहा था सर कि थोड़ा तो वक्त दीजिए। पर ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे सर कि जैसे केस ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हम ऐसे बैठे हुए हैं, ये हमें सिखा रहे थे। हाँ तो करेंगे ही ये सब। पूर्वी पत्नी है उनकी, अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए वो जमीन आसमान एक करेंगे। पहाड़ चढ़ना हो चढ़ेंगे, पहाड़ तोड़ना हो तोड़ेंगे। और ये एक्सक्यूज मुझे बिल्कुल मत दो कि हमें सिखा रहे थे। और बाय द वे आगे से इस मैटर में बोलना भी मत, क्योंकि ऑफिशियली एंड लीगली मैं इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर, आप हमारी इतनी हेल्प कर रहे हैं और आप इस केस को खुद हैंडल कर रहे हैं, लेकिन आप बस मुझे ये बताइए कि हम पूर्वी तक जल्द से जल्द कैसे पहुंचे। मतलब कोई तो रास्ता होगा सर। सर आपने जो पेपर्स मांगे थे वो। आरवी, तुम्हारे सवाल का जवाब इसमें है। हमारा सबसे पहला टारगेट है जस्सी, जिसने तुम्हारी बीवी को किडनैप किया है। वो कहां मिल सकता है उसका ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए पूरी टीम बनाओ, कुछ लोग मेरे साथ भेजो। चलो कम ऑन। जान से मार दो। दिस लेडी इज वॉरिड। हमारे धंधे का उसूल है, जो हमें काम देते हैं ना हम उनका नाम नहीं बताते, और तुझे भी नहीं बताऊंगा। तमारी ने, मैं लड़की के पीछे जाता हूं, लड़की जानी नहीं चाहिए हाथ से। आ गया खरी लड़की। कहीं कोई निशान, कोई उसके कदमों के चिन्ह, कुछ तो नहीं पता चल रहा है। कहां गई आखिर वो? ये उसी लड़की का है। लगता है उसी लड़की के पैरों के निशान है, इसी तरफ गई है। वाह क्या बात है, मैं भी देखता हूं कहां तक जाती है ये। जैसा कि आपने देखा, मिस्टर आरवी मल्होत्रा पुलिस स्टेशन में मीडिया के साथ है, और अभी हम देख पा रहे हैं कि एसीपी राहुल जाधव ने ये केस अपने हाथों में ले लिया है। एसीपी राहुल जाधव एक बहुत ही नामी ऑफिसर है और इस तरह की कई किडनैपिंग केसेस भी सॉल्व कर चुके हैं, और आज तक ऐसा कोई केस नहीं है जो वो सॉल्व नहीं कर पाए। ये तो बड़ी अच्छी खबर है, अपनी पूर्वी का केस एक काबिल अफसर के हाथ में आ गया। ये जो ऑफिसर है ना, ये आरवी की जरूर हेल्प करेगा और पूर्वी को ढूंढ निकालेगा। आप देखना बाऊजी, पूर्वी सही सलामत वापस आ जाएगी। जिसने भी मिसेस पूर्वी मल्होत्रा को किडनैप किया है उसके लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि एसीपी राहुल जाधव का रिकॉर्ड रहा है, केस मिलने के 2 घंटे के अंदर ही उन्होंने सभी केसेस सॉल्व किए हैं। तो उम्मीद है कि मिसेस पूर्वी के किडनैपर को वो जल्द ही पकड़ लेंगे। सुन रही है, ये न्यूज़ ना तेरे लिए बहुत बुरी न्यूज़ प्रूव हो सकती है मान। अगर जस्सी पकड़ा गया तो, अगर जस्सी पकड़ा गया ना दी, मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। प्रॉब्लम नहीं, सब खत्म हो जाएगा मान। इस घर के दरवाजे ना तेरे मुंह पर बंद कर दिए जाएंगे,
फिर इस फैमिली में तेरी एंट्री नहीं, इमरजेंसी एग्जिट करवा देंगे। तेरी बड़ी बहन होने के नाते कितनी बार मैंने बोला कि तू फ्रेंड सबसे मुझ पर सिंचक रूंगे, बट यू डिड नॉट बच। बड़ी बहन, मैं आपको बोलने का शौक तो है, बिहेव भी कर लिया करूँ, दुश्मनों जैसे बात करती रहती हूँ। अभी ना जैसी करना नहीं है, ठीक है ना, मैं बस यही, तुम मुँह बंद रखो अपना, जिनते को बुरा बोलते रहते हो, बुरा बोल बोल के डराते रहो बस मुझे, उसकी काम ही नहीं है क्योंकि आई कैन फॉरसी नजर आता है मुझे आगे का आने वाली प्रॉब्लम, मुझे नजर आती है मॉन, गुड फॉर यू। और ये प्रॉब्लम अभी तुझ तक आई नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुझ तक पहुँचेगी नहीं। एनीवे नहीं बोलना मुझे, क्योंकि जब जब मैं अच्छा बोलती हूँ तुझे लगता है मैं नेगेटिव बोल रही हूँ। तुम खुश है ना कि अब तक प्रॉब्लम तुझ तक नहीं पहुँची, सो लेट्स सेलिब्रेट। डू यू वांट मी टू ओपन शैंपेन? भाई चार फेरे हो गए। ये रुको, क्या हो रहा है यहाँ पे? यही है? हाँ भाई, अबे तू है कौन? मेरे भाई को गिरा, तेरी इतनी हिम्मत? ये रुक, इनके लिए मैं अकेला काफी हूं, नया बंदा है इस धंधे में, शायद मेरे बारे में नहीं जानता, अपना इंट्रोडक्शन देता हूं इसे, आजा। इतना सब देखने के बाद भी तुझे नहीं पता मैं कौन हूं, तो तुझे अलग से बताना पड़ेगा। चलो पूरी कहीं और जाना पड़ेगा। दूर रहो। अरे पूरी चल। क्या कर रही है पूर्वी? अरे मेरा हाथ जला दिया। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।